आपकी कुंडली अगर सही है तो आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही है कि गलत? सही है। आपकी कुंडली के अनुसार मकान के दरवाजे के आसपास पानी की व्यवस्था, नल, बोरिंग, कुआं, पानी की टंकी, कोई साधन होना चाहिए, सही है कि गलत? जी सर, एक टंकी है पानी का। ठीक है जी। और कुंडली के अनुसार आपके घर में बहुत शांति का वातावरण तो नहीं रहता, ये तो सही है? जी सर। कुंडली ये भी बताती है मकान के दरवाजे के बाहर किसी का मकान है सीधे हाथ तरफ, उसकी बाउंड्री वॉल या मकान थोड़ा टेढ़ा है या घुमावदार है, सही है कि गलत? सही है गलत? सही है सर। तो आपकी कुंडली भी बिल्कुल सही है। अब देखिए आप ज्योतिष कितनी सही है, आपका जन्म कलकत्ता में हुआ, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम जबलपुर में बैठे हैं और आपकी कुंडली देखकर एक मिनट भी नहीं लगा, एक मिनट के अंदर सब कुछ बता। जी सर। और एक एक बात सही है, मानते हैं? जी सर, मानते हैं सर। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, अब आप सवाल करिए। सर मैं वही है सर, लाइफ में मैं कंफ्यूज रहता हूँ। पहले मैं सर्विस किया सर नोएडा में, जिसमें मुझे अच्छा लगा, मैं छोड़ के आ गया। फिर सर मैं फूड बिजनेस चालू किया रिसेंटली सर, 2 ही महीने हुए, मैं उसको भी ज्यादा कंटिन्यू कर पाया नहीं कर पाया सर, बंद कर दिया। तो सर मेरा, मैं लाइफ में तब सेटल हो पाऊंगा सर, मुझे किस फील्ड में सेटल होना चाहिए? देखिए सच बात तो ये है जी कि पिछले 5-6 महीने से आपके जीवन में बड़ी डामाडोल स्थिति चल रही है, सही है कि गलत? जी सर। 5-6 महीने से बड़ा तनाव का और बड़ा परेशानी भरा समय चल रहा है, तो आपको सजग रहना चाहिए, थोड़ा सा हनुमान जी को मनाना चाहिए। जी सर। और आने वाले 2 सालों के अंदर आपको धन भी मिलेगा, आजीविका का साधन भी मिलेगा और शरीर में चोट भी मिलेगी। जी सर। और आपके जीवन में अक्सर ऐसा होता भी है कि जब जब सफलता मिलती है तब तब कोई शारीरिक कष्ट भी होता है। जी सर। याद करिए, सही है कि गलत? हाँ सर। तो ये एक विडंबना भी है और एक अच्छाई, अच्छाई है कि सफलता मिलेगी, विडंबना ये है कि शारीरिक कष्ट होगा। जी सर। तो आपको क्या करना चाहिए, वर्तमान में 2-2.5 साल तक सुंदरकांड का पाठ रोजाना सुनना चाहिए। जी सर।